आपकी केमिकल एनएटीएसटी से यहां पे आपको क्या करना है, डाटा एंट्री ऑपरेटर सबसे पहले तेजीएस पे जाएं, आपका सेकंड असिस्टेंट ग्रेजुएट स्टोर क्रीपर स्टूडेंट आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो कंप्यूटर साइंस में यहां पे डिप्लोमा करना है आपका, तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड ये सब आपके पास होना चाहिए, और डिप्लोमा पेट्रोलियम से यहां पे आप कर दें जियोलॉजी का, तो ये करने के बाद यहां पे इस तरीके से आप यहां पे आप देख सकते हैं इसकी पोर्टल पे जाएंगे, आपको देखिए ग्रेजुएशन वाले आपका बाकी सिलेक्शन की बात करें यहाँ पर यहाँ पे ग्रेजुएट यहाँ पे आपका एंगेजमेंट जो है मेरिट ड्रॉन बाय द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेंड क्वालिफाई एग्जामिनेशन कंप्यूटर साइंस ठीक है इन एडवर्टाइजमेंट जनरल कंडीशन दे रखी है ठीक है द कैंडिडेट टू अंडरगो अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो आप यहाँ फ्रेशर लोग ही अप्लाई करें ठीक है ONGCIL have no obligation after regular employment apprenticeship during ठीक है तो बाकी आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं हाउ टू अप्लाई के बारे में यहाँ पे आपको देखा प्लीज चेक एलिजिबिलिटी सीट बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पैरा डी 9 है ठीक है यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ आपका 1 से लेकर आपको 20 तारीख तक और डेट रिजल्ट सिलेक्शन का 5 अक्टूबर को आ जाएगा यहाँ पे आप ठीक है नेम ऑफ वर्क लोग आपका कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे देगा ऑल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप दे सकते हैं मेडिकल लेवल की पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले जो आईटीआई है तो वो क्या करेंगे सबसे पहले अपने आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे ठीक है जो जिन्होंने आईटीआई हाई स्कूल और 12th कर रखा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको ठीक है लाइकली वो अपने आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है ठीक है यहाँ पे आपको लॉग इन एज ए कैंडिडेट आप या रजिस्टर एज कैंडिडेट कर सकते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी और आई एम नॉट रोबोट सबमिट करना है इस तरीके से कंप्लीट आपका रजिस्ट्रेशन करना है ठीक है एनएटीएस पोर्टल पे यहाँ पे आपको क्या करना है तो वो है बीबीटेक सबसे पहले इस पे जाएं आपका जिन्होंने 2019 स्टूडेंट आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे इस तरीके से करना है तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड ये सब आपके पास होना चाहिए ठीक है ड्यू डाटा टू अबव एनरोल यहाँ पे यस कर दें वो यहाँ पे अप्लाई ठीक है तो ये करने के बाद ही यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है वो यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे आपको देखिए कैंडिडेट वो है ये आपको आ रहा है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते प्रीवियस ट्रेनिंग है नो कर दीजिएगा टू अप्लाई ड्यू हैव वर्क एक्सपीरियंस नो कर दीजिएगा पास रेगुलर है तो यहाँ पे रेगुलर कर दीजिएगा फुल नेम इस तरीके से आपको करना है ट्रेनिंग पूरी जानकारी यहाँ पे आपको दे रखी है ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लें क्वालिफिकेशन अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा मैं निश्चित रूप से आप लोगों सहायता करूंगा ठीक है तो यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं चेक बिफोर लिस्ट यहाँ पे एक्टिव ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एजुकेशन आपका हाई और मार्कशीट एचएससी मार्कशीट आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट पैन नंबर और आधार नंबर होना चाहिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे आपको पोर्टल दे रखा है फोटो इस तरीके से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ठीक है 10th 12th तो फ्रेंड ये थी आपकी ONGC में निकली अपडेट इसकी भर्ती के लिए किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं उसकी जानकारी अगर किसी प्रकार का डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं निश्चित रूप से सहायता करूंगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो देखने धन्यवाद एप्लीकेशन फॉर्म टाइप राइटन हैंड रिटन एप्लीकेशन एक्सेप्ट सिग्नेचर विल नॉट बी एक्सेप्ट ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से करना है एनवेलप पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट आपका शुड बी सब्सक्राइब में एप्लीकेशन फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कैटेगरी सब्जेक्ट डिसिप्लिन इस तरीके से होना चाहिए सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें आपका रिटन टेस्ट पर्सनल इंटरव्यू के बोथ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ओनली ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड परसेंटेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय क्वालिफाई इन द एप्लीकेशन फॉर्म ठीक है अगर आपके CGPA हैं तो आपके परसेंटेज कन्वर्जन आपका होना चाहिए आपका फार्मूला होना चाहिए ठीक है वो आपको प्रोवाइड कराना है 6/10/2023 लास्ट डेट है इसकी आपको फॉर्म को पहुँचाने की ठीक है फ्रेंड तो यहाँ पे आप देखते हैं BBA और जो उन्होंने किया है तो यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको देखिए किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में यहाँ पे आप देख लीजिएगा स्टूडेंट इनरोलमेंट
आपका यहाँ पे देखिए स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप यहाँ पे आपको आ रहा है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है नॉन इंजीनियरिंग के लिए। इस तरीके से यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपने आपको, ठीक है। तो आइए रजिस्टर पे यहाँ पे जाके आपको आई एम स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरी प्रोसीजर देख रहा है किस स्टेट है, तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक, यहाँ पे आई हैव कम्प्लीटेड, और यहाँ पे आपको आ रहा है ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपको आ रहा है किस सन में किया था, ठीक है। इस तरीके से आप रेगुलर, तो ये सब आप चीज़ तरीके से करना है। कोई भी किसी प्रकार का डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके NETS के पोर्टल पे आप जाकर वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। उसके बाद ही आप जाके फॉर्म को फिल कर पाएँ। तो वैकेंसी के लिए फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए व्यू ऑल व्हाट्स न्यू पे जाएं, नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए ये आपका वैकेंसी इंगेजमेंट ग्रेजुएट, इस पर आप टिक करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए अप्रेंटिस की कैटेगरी आ रही है, यहाँ पे आपको 6-10 स्टेटस ओपन, एडवर्टाइजमेंट यहाँ से दे सकते हैं, सैम्पल यहाँ पे इन्वेलप पर, और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फ़ोटो यहाँ पे देना है, NETS आपका इनरोलमेंट नंबर, टाइप ऑफ आपका अप्रेंटिसशिप ग्रेजुएट या टेक्नीशियन डिप्लोमा है, ब्रांच डिसिप्लिन सब्जेक्ट, एप्लीकेशन नेम आपका एप्लीकेशन यानी आपके आपका नाम, फादर या हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, कैटेगरी आप किस कैटेगरी से, UR, SC, ST, OBC, जेंडर मेल फीमेल, आधार नंबर, आर यू फिजिकली हैंडीकेप्ड या CNO करके बता दें, ठीक है। आप यहाँ पे करस्पॉन्डेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, यहाँ तक आपको भरना है। यहाँ पे हाई स्कूल का आपका बोर्ड, जो भी आपका CBSE, IC, आपका जो भी स्टेट बोर्ड है, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट ब्रांच, फुल मार्क और मार्क कितने प्राप्त हुए थे, परसेंटेज और डिवीजन। इसी तरह 12 डिप्लोमा में आपको बताना है, ग्रेजुएशन में डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आपका 10th की मार्कशीट है, आप जो जो मार्कशीट दे रहे हैं, डिप्लोमा, कास्ट सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे आपको टिक करते चलिएगा। प्लेस जहाँ से आप भर रहे हैं, डेट, सीरियल नंबर, ये ऑफिस यूज ओनली है, सिग्नेचर फॉर द कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका इनवेलप कवर का जो है, आप उसको प्रिंट कर लीजिएगा, या फिर आपको इसी तरीके से आपको इनवेलप में करना है, ठीक है। फॉर्म, कैंडिडेट फुल एड्रेस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द डायरेक्टर यहाँ पे आपको आ रहा है चंडीगढ़, आप बालासो स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुँचाना है, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको नाम यहाँ पे आपको दे देना है। तो फ्रेंड ये थी आपकी DRDO में निकली वैकेंसी के बारे में, जो कि मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से अप्रेंटिस की भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप जानकारी और वीडियो दोनों पसंद आए हों। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो देखने धन्यवाद।